Hello everyone. So good afternoon and welcome back to the session. I hope I am audible, I am visible, and the PPT is also visible to you. Quickly keep on joining and let me know. So jaldi se aa jaiye grid up app pe bhi and as well as on YouTube aake mujhe bata dijiye taki hum fir se ye amazing session aaj start kar paye aapke sath jo ki hai the fifth part of the most expected as well as the frequently asked questions for your upcoming examination 2021, right? So I can see on GridUp app, hi Sangeeta, Kavita, Bundela, Sumitra, Dhruv, Namaste, Lakshmi ji. People on YouTube, I hope you are here. Hello Anamika, Renuka, Ushoshi, Ganguly, Umair, Jyotsna, Rufa, Yogesh, Somnath, ज्योति सोनी थैंक यू सो मच. जो भी आप बच्चे वेट करते हैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी यू गाइज वेट फॉर द सेशन. दैट मीन्स अ लॉट टू अस एंड टू मी एज वेल कि आप लोग में अब धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है, राइट? सो हमें पढ़ना है, ढेर सारी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. बट वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, पहले तो मैं आपसे वही सेम बात बोलूंगी जो हमेशा बोलती हूँ, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन. एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा. जस्ट लेट मी नो अ क्विक अटेंडेंस फ्रॉम योर साइड कि हाँ मैम हम आ गए हैं, हमने हाजिरी लगा दी है. हाजिरी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास में. दैट यू कैन डू बाय लाइकिंग द सेशन, फाइन. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब. अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने हमारे चैनल को, सो यू हैव टू सब्सक्राइब, यू हैव टू पुश क्लिक द सब्सक्राइब बटन. आपको लाइक करना है, आपको बेल आइकन दबाना है. बेल आइकन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी मदद से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, राइट? और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या आज जो ये सीरीज का पांचवा पार्ट है ये एकदम नए कॉन्सेप्ट्स हैं. सो जो बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये कंटिन्यूएशन है. नो, each and every session is a new session, right? We have just named it for the sake of clarity. क्योंकि बहुत बच्चे बोलते थे मैम नंबरिंग कर दीजिएगा. सो जितने भी सेशन, जितनी भी क्लासेस लेके मैं आपके लिए आ रही हूँ, आज उसका पांचवा पार्ट है. बट टूडे मेजरली वी विल बी सॉल्विंग आईसीटी. तो हमने देखा, हम बच्चों से पूछते हैं तो बच्चों ने बोला कि मैम आईसीटी बहुत दिनों से नहीं करवाया है, अभी मेजरली आप आईसीटी लीजिए. सो आई विल बी सॉल्विंग आईसीटी, हायर एजुकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. नए क्वेश्चंस होंगे, नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, सब कुछ नया होगा, ठीक है? तो हम क्या तैयार हैं? द पीपल ऑन इवन हु हैव टेकन ग्रेड अप सुपर सब्सक्रिप्शन, टू देम ऑल्सो थ्योरी पढ़ना ही काफी नहीं है, यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चंस एज वेल. एम आई क्लियर गाइज? क्या मैं क्लियर हूं? एम आई क्रिस्टल क्लियर? डन? एलएसएस कर दिया है? चलिए तो जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं. उससे पहले एक जल्दी से झटपट करंट अफेयर्स. हमारा करंट अफेयर्स का नाम क्या है? जेपीसी, झटपट करंट अफेयर्स. तो झटपट करंट अफेयर्स में आज का एक करंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कल ही द हिंदू में आया था. सो यू कैन सी द डेट हेयर. सो मार्च 15 को ये हिंदू में न्यूज आर्टिकल आया था. मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपके लिए इसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर आई हूं. इस करंट अफेयर्स में क्या है? सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. सो हाल ही में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री, दे हैव स्टेप्ड इन एंड दे हैव आस्क्ड द सेंटर्स एंड दे हैव आस्क्ड द सेंटर गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कि वॉट दे हैव टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. किससे प्रोटेक्ट करना है, किससे करना है? इट्स बेसिकली ड्यू टू द केबल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी केबल्स होते हैं आपने देखा होगा, उससे अक्सर ये बर्ड क्या करती है, टकरा जाती है. एंड एक्चुअली इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर दीज बर्ड्स. इन बर्ड्स के नंबर में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कमी आती जा रही है, राइट? बिल्कुल. तो सारे बच्चे ज्योति, परवेश, नैया, समता, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सबके सब आ जाओ. जल्दी से करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, फिर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो जिनको नहीं पता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती कैसी है, दिखती कैसी है, सो दिस इज द बर्ड. ये बहुत ही अमेजिंग बर्ड है, राइट? दिस इज द हेवीएस्ट बर्ड दैट कैन फ्लाई. ये बहुत भारी पक्षी है जो उड़ सकता है. ये हमारे IUCN की लिस्ट में
यू नो आईयूसीएन का एक रेड डेटा बुक होता है, यू हैव अ रेड डेटा बुक ऑफ आईयूसीएन, उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब इसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सराहनीय कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये एकदम विलुप्त हो जाएगी, इट विल बी टोटली लॉस्ट इन वाइल्ड, राइट। सो अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन की कैटेगरी रेड डेटा बुक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल दैट मेंटेन्स दिस बुक। सो तो ये पक्षी है, बिल्कुल हिंदी में बता रही हूँ मैं, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल अंग्रेजी का भी यूज थोड़ा है बट हिंदी में ही मैं आपको समझा रही हूँ। तो कुल मिलाकर ये जो पक्षी है, इसके प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि जितनी भी आपकी केबल लाइन होती है, बिजली की बिजली लाइन होती है, उसमें आप कुछ ऐसा करें कि पक्षी टकरा के इससे क्या ना हो, मरे ना। सो यू नो यू कैन सी द आई ऑफ दिस पर्टिकुलर बर्ड, इनकी आंखें थोड़ी पीछे की तरफ होती हैं। तो क्या होता है, ये जब पक्षी उड़ान भरते हैं, ये पक्षी एकदम सामने नहीं देख पाते अच्छे से, आंखें थोड़ी सी पीछे की तरफ होने के कारण इनका क्या होता है, दुर्घटना होना। सो बेसिकली हम बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। सो इनके लिए ये केस ही नहीं है, नजर हटने वाली बात ही नहीं, इन बेचारों को क्लियरली दिखता ही नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड है, ये हमारे देश में आप सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। सो बेसिकली राजस्थान, कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये कुल कुल मिला के इनके ये स्टेट्स हैं जहां पे जीआईबी पाई जाती है। इसका वेट होता है 18 किलो और ये हेवीएस्ट बर्ड है, सबसे भारी बर्ड है जो कि क्या कर सकती है, उड़ान भर सकती है, फ्लाई कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, आपसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस ग्रेट इंडियन बस्टेड बर्ड। और ये माइग्रेट करती है, ये पलायन करती है पाकिस्तान से, तो हमारे लिए हमारा फर्ज बनता है हम इसको प्रोटेक्ट करें। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कल ये आदेश दिया स्टेट्स को, सेंटर्स को, कि आपको प्रोटेक्ट करना है, हम नहीं जानते, आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। Any doubt? So this was the first झटपट current affairs for you. Second current affair for you. Everyone, people on the GridUp app, are you guys with me? Yes, that's very, very important. I will be explaining in Hindi and as well as in English. So right now we have been soaring high in terms of vaccine diplomacy, right? हम vaccine को लेके काफी excited हैं क्योंकि भारत बहुत से देशों में vaccine भेज रहा है। आपने सुना है भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को भी वैक्सीन देने के लिए बोला है। भारत ऑलरेडी ब्राजील और काफी सारे देशों में वैक्सीन भेज चुका है। सो वैक्सीनेशन में हमारा बोलबाला काफी ज्यादा है एंड उसी चीज को देखते हुए यू नो वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग अ नेशनल वैक्सीनेशन डे। नेशनल वैक्सीनेशन डे हम मनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो वैक्सीनोलॉजी के फाउंडर हैं, जिनका नाम क्या है, एडवर्ड जेनर, द नेम ऑफ द पर्सन इज एडवर्ड जेनर, राइट। सो इनको हम सेलिब्रेट करते हुए 17, सो ही डिस्कवर्ड द वैक्सीन इन 1798। अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि COVID-19 पेंडेमिक के बीच में हम हैं, राइट। वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो आपसे पूछ सकते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे कब होता है, जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन क्लिक के बता दो तेजी में, दिस कुड बी अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन, फाइन। तो हमने पहला वैक्सीन देश भारत जनरली ओवरऑल वर्ल्ड में बनाया था 1880 में, 1880 में कॉलरा के लिए, फाइन। सो यस, लेट मी नो व्हेन डू वी सेलिब्रेट, ये कल परसों ही हुआ है ऑब्वियसली, तभी मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ, ठीक है, फाइन, यस वेरी नाइस। सो विद दिस झटपट करंट अफेयर्स, एक बार आगे बढ़ने से पहले आराम से दोबारा से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, आई विल रिक्वेस्ट यू होल हार्टेडली, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। एज आई ऑलवेज से, दीज
sessions will be having a new concept every day, a new subject knowledge every day. आप लोगों के कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से रिवाइज होने वाले हैं. आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपने कब ये सब्जेक्ट पढ़ लिया. And you will be able to solve all the questions. So if you want, kindly show us your support, like and share. जल्दी से कर दीजिए. Very nice. 16 मार्च. चलिए. So Mission UPSC, Preeti Jha. हाँ, अगर शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन. फाइन, वी हैव डन द टू इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दैट वर इम्पोर्टेंट. आई थॉट दे आर इम्पोर्टेंट एंड यू शुड बी नोइंग. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, आई वॉन्ट एटलीस्ट 500 स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब. कैन वी मेक इट हैपन? कैन वी मेक इट हैपन? राइट, आई नो यू गाइस ऑलवेज लिसन टू द वीडियोज लेटर. आप बाद में भी सुनते हैं अगर लाइव नहीं सुन पाते, बट लाइव में एक अलग मजा है ना. तो इसलिए एक बार शेयर कर देना ताकि जो बाकी बच्चे इधर उधर भटके हुए हैं वो भी आ जाएं. फाइन, चलिए. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. लेट्स क्विकली मूव टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ये आईसीटी के क्वेश्चन है. द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एज वेल एज आपके लिए हिंदी में भी रहेंगे. फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी, समझाऊंगी. First question, while sending an email to differentiate among two CC and BCC fields. तो आपको पता है एक फील्ड होती है टू, एक होती है BCC, एक होती है C. आपको बताना है इन फील्ड में क्या अंतर है. जब आप ईमेल से पत्र व्यवहार करते हैं, ठीक है, पहले हम चिट्ठी भेजते थे, कबूतर को भेजते थे कबूतर से, अब हम ईमेल्स भेजते हैं, जल्दी है ऑब्वियसली, सबको बहुत जल्दी है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू फील्ड. आपको पता, आपने किसी को लिखा टू होता है, उसमें आपने ऑप्शन देखा होगा बीसीसी होता है और सी होता है. टू वाले कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर देयर इन बीसीसी एंड सीसी फील्ड. रेसिपिएंट्स इन द सीसी फील्ड can see the email address that are in two and the BCC field. बस ये बताना है कितनी पारदर्शिता होती है, कौन सी फील्ड वाले कौन सों के नाम देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा, आपने मुझे मेल किया तोशिबा शुक्ला, आपने तोशिबा शुक्ला मैम को मेल किया. आपने कार्बन कॉपी, आपने सीसी में किसको रख दिया, ग्रेड अप को रख दिया, ठीक है. सो इन सब में अंतर क्या है. Quickly, this is in English. I will show you the question in Hindi as well. Aram se question ko dekhiye, koi jaldbazi nahi hai, and give me the answer. Yes, everyone. What do you think should be the answer for this question? This is a very important, frequently asked question. Har baar email se related ek question aata hi aata hai. Right? Okay. Very nice. So the answer for this question, C bol rahe hain sabke sab, theek hai. The answer is of course C. Very nice. Very good. So dekho, email jab hum bhejte hain, humne email bheja. From तो कुछ नहीं रहता उसमें. फॉर एग्जाम्पल आपने, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सद्दाम हुसैन जी, ठीक है, सद्दाम जी ने मैसेज भेजा ईमेल. उन वो लिखेंगे टू फील्ड में, उन्होंने मेरा आईडी लिखा तोशिबा डॉट शुक्ला फॉर एग्जाम्पल एट द रेट ऑफ ग्रेडा डॉट को. फिर एक फील्ड होती है सीसी. सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी. मतलब जो मैं चाह रही हूं कि मैं इनको तो भेज रही हूं, पर कार्बन कॉपी में इन लोगों को भी मेरा ईमेल मिल जाए. सो कार्बन कॉपी वाला जो बंदा होता है, जो रेसिपिएंट्स होते हैं, वो सबको दिखते हैं. अगर बीसीसी में, बीसीसी क्या होता है, बीसीसी इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बिकॉज द नेम कंटेन्स ब्लाइंड. ब्लाइंड इज नाउ इट्स फाइन. Now it's fine. Please, can you confirm once? अभी दिख रहा है. There was a buffering for a little while. अब सही आ गया है. तो ठीक है, BCC, CC का concept आपको clear हो गया है. BCC list is secret. मतलब अगर आप बोलो कि BCC list क्या है, तो ये एक प्रकार की secret list होती है. Fine, clear है. अभी it's not buffering, guys. अभी it's fine. एक बार मुझे yes ma'am करके बता दीजिए. यस मैम करके बता दीजिए, ठीक है. यस बोल दीजिए, आपको दिख रहा है. एक बार यस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. यस मैम, वी आर एबल टू सी इट. फाइन,
Can we proceed to the next question? The next question. The second question. Yes, yes, it's clear, it's clear. Please, jaiye mat. There was some minor technical glitch happening. Now it's fine. इंटरनेट है, ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए हम टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनिशिएटिव्स अंडर द NEGP? NEGP के अंडर इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, भारत बिल पे, ई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट डेटा सेंटर्स या NTA? तो एक नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम है भारत सरकार का. देयर इज दिस नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम. उसके तहत, यस, उसके तहत क्या क्या आता है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, भारत बिल पेमेंट, ई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट डेटा सेंटर या NTA जो आपका एग्जामिनेशन करवाता है. जल्दी से मुझे आंसर दीजिए. नाउ द इंटरनेट इज वर्किंग. लेट्स नॉट वेस्ट एनी ऑफ द टाइम इन सेइंग दैट नहीं चल रहा है. ठीक है, हाँ हाँ, फाइन. सो जो बच्चे बोल रहे हैं पुराने क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, एक बार मैं उनके लिए फिर से रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए, ईमेल में एक टू फील्ड होती है, एक CC फील्ड होती है, एक BCC फील्ड होती है. CC क्या है? CC इज कॉल्ड एज कार्बन कॉपी. अगर मैं जिसको ईमेल भेज रही हूं, मैं इनके अलावा किसी और को भी ईमेल भेजना चाहती हूँ, मैं कार्बन कॉपी में रखूंगी. BCC क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ये मेरी सीक्रेट होती है. मैं जिनको सीक्रेटली ईमेल भेजना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि बाकी लोग देखें. आई विल पुट दोज नेम्स अंडर BCC. वेयर एज BCC लिस्ट इज सीक्रेट, बट द पीपल ऑन द BCC लिस्ट, जो लोग BCC का पार्ट हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं. वो टू लिस्ट भी देख सकते हैं और CC भी देख सकते हैं. ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए, यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. वेरी नाइस. नेशनल ई गवर्नेंस प्लान. नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एक बहुत बड़ा प्लान है हमारे देश में ई गवर्नेंस को लेकर, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली इज ई गवर्नेंस? इट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस. फॉर एग्जांपल, जितना भी डिजिटाइजेशन हो रहा है, जितना भी आपका ई रिकॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका लैंड, एग्रीकल्चर में लैंड का डिजिटाइजेशन हो रहा है, यू हैव योर ई डिस्ट्रिक्ट्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आपको वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना है, आप सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो, राइट? अब जो आपका PDS राशन होता है, अगर आप PDS राशन सरकार आपको देती है, उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग होती है ऑनलाइन, राइट? सो इट्स बेसिकली अ ई गवर्नेंस प्रोग्राम जिसमें आपका क्या क्या आता है. यू हैव ACD, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बेसिकली इंटरनेट से सारी चीजें कनेक्टेड है. सरकार इंटरनेट से सब कुछ देख सकती है. आपको पता है एक पोर्टल है सरकार का जिसका नाम है प्रगति पोर्टल. प्रगति पोर्टल क्या होता है? प्रगति पोर्टल इज अ 3-tier सिस्टम जिसमें प्रधानमंत्री और स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज और सेंट्रल लेवल के सेक्रेटरीज मीटिंग रखते हैं. तो प्रगति मतलब प्रोग्रेस. इस पोर्टल के थ्रू हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करते हैं? वो सब मुआयना लेते हैं. बेसिकली ही मॉनिटर्स कि जो जो स्कीम चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा है या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें क्या प्रोग्रेस है, कितना प्रोग्रेस है, कितना एफिशिएंसी से काम हो रहा है. सो ये सब इंटरनेट की मदद से होता है, राइट? दिस प्रगति पोर्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव ई डिस्ट्रिक्ट्स. सो बेसिकली ई डिस्ट्रिक्ट्स भी ई गवर्नेंस का पार्ट है. स्टेट डेटा सेंटर, बिल्कुल आपने सुना होगा, कियोस्क होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, भरना है MPPSC का फॉर्म भरना है, तो आप कहाँ जाते हैं? आप बेसिकली कियोस्क जाते हैं, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान. भारत बिल पेमेंट और NTA, भारत बिल पेमेंट और NTA बिल्कुल इसका पार्ट नहीं है. क्लियर है? एनी डाउट? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अलावा, I know what is happening to the internet बीच-बीच में. Please, please cooperate. Please cooperate. बीच-बीच में थोड़ा सा lag है, but it will be fine. I don't want to cancel on the class. और मैं चाहती हूँ class होए क्योंकि हमें बहुत सारा पढ़ना है. ठीक है? Any doubt? Clear? चलिए. NTA e-governance का plan नहीं है. NTA एक संस्था है जो कि आपके एग्जाम्स करवाती है.
फाइन. सो ई गवर्नेंस के अलावा वी हैव नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0. हमारा एक 2.0 का भी एक नया वर्जन आया है जिसका नाम हमने क्या दिया है, ई क्रांति. सो आपसे ई क्रांति के बारे में दे कैन आस्क यू, व्हाट दे कैन आस्क यू, व्हाट एग्जैक्टली इज ई क्रांति. तो ई क्रांति में डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं, राइट. डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं जिसमें आता है ब्रॉडबैंड, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, आईटी फॉर जॉब, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और ई गवर्नेंस. सो आपको जो डिजिटल इंडिया है, दिस इज द बिग डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो 2015 में लॉन्च किया गया था, मोदी जी ने 2014-15 में लॉन्च किया था, उसके तहत यू हैव ई क्रांति. ई क्रांति क्या है? ई क्रांति इज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0, सेकेंड वर्जन है. क्लियर है? एनी डाउट? सो नॉर्मल ओरिजिनल ई गवर्नेंस प्लान आया था 2009 में, बहुत पुराना प्लान है, बेसिकली 2006 और 9 की बात है जब यूपीए सरकार थी. अभी क्योंकि एनडीए सरकार है, इन्होंने इसका सेकेंड वर्जन लाया है 2.0, और उसको नाम क्या दिया है, ई क्रांति. ठीक है. प्रगति पोर्टल है, प्रगति एक पोर्टल है, एक ऐप है. जैसे आपका आप ऐप यूज करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु ऐप है. ये कौन बनाता है? ये बनाता है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर. वैसे ही प्रगति एक ऐप है, एक पोर्टल है जिसके थ्रू सरकार स्कीम्स को मॉनिटर करता है. ई क्रांति इज अ बिग स्कीम. ई क्रांति क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इसका सेकेंड वर्जन है, जो कि आपका डिजिटल इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है. फाइन. एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए थर्ड क्वेश्चन. अ हार्डवेयर डिवाइस दैट डिवाइड्स द नेटवर्क कनेक्शन अमंग द मल्टीपल डिवाइसेस. ऐसा कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, नेटवर्क को डिवाइड कर देता है अलग अलग कनेक्शंस में, अलग अलग मल्टीपल डिवाइसेस में. क्या हम उसको राउटर बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं, हब बोलते हैं? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज. ये आपका आईसीटी से रिलेटेड है. आईसीटी में यू हैव द फिजिकल डिवाइसेस. आपने सुना है राउटर्स हैं, हब्स हैं, स्विच हैं, स्विचेस हैं. सो ये नेटवर्किंग के, दीज आर द नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट हेल्प यू टू कम्युनिकेट. इंटरनेट पे हम कैसे एक दूसरे से बात कर पाते हैं, वो इन सारी डिवाइसेस की मदद से कर पाते हैं. फाइन. यस, यू विल गेट द लिंक ऑन टेलीग्राम, आई मीन द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, बट उससे पहले पढ़ तो लो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर तो लो. वैसे ही आज इंटरनेट देवता थोड़े से हमसे रूठे हुए हैं, बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं, तो हम अपने जल्दी से उनको नाराज ना करते हुए 20 क्वेश्चंस कर लें. क्विकली कीप ऑन आंसरिंग. एंड अगेन प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन. आई नो फ्यू पीपल आर वेरी रेस्टलेस, थोड़ा सा इंटरनेट गया वो भाग जाते हैं. तो कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, डटे रहना चाहिए. फाइन. ओके. तो जनरली बच्चों को लग रहा है राउटर, कुछ बच्चों को लग रहा है मॉडेम, कुछ को तो लग रहा है हब भी है. कितने क्यूट हो आप लोग, आप लोग को सारे आंसर्स लग रहे हैं. कोई एक आंसर बताओ ना, ऐसा मत करो सारे आंसर बोलोगे तो यूजीसी बुरा मान जाएगा. ओके. दिस इज नॉट अ सेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस. अरुण प्लीज फोकस व्हाट आई एम टीचिंग. आई विल ऑब्वियसली नॉट आंसर एनी अदर थिंग राइट नाउ. डी, हब. तो जो बच्चे राउटर बोल रहे थे, मॉडेम बोल रहे थे, देखो हब क्या है, हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस. सो हब क्या करता है, आपका एक कनेक्शन हो उसको बेसिकली उसको डिवाइड कर देता है. हब से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नेटवर्क कनेक्शन, ये जो आपको दिख रहा है, राइट. सो हियर ये हब है, मतलब अगर ये मेरा पूरा नेटवर्क है, ये मेरे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो मेरा हब क्या करेगा, मेरा हब इन सारे नेटवर्क्स को, कंप्यूटर्स को अलग अलग डिवाइड कर रहा है. बेसिकली जितने भी लोकल कनेक्शंस हैं
कंप्यूटर्स हैं वो हब से कनेक्ट होते हैं। हब के पास क्या होता है, हब कैसा है, बुद्धू डिवाइस है, मैंने आपको याद करवाया था, हब एक बुद्धू डिवाइस है, इसके पास खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इसके पास खुद के कोई राउटिंग टेबल नहीं होते हैं। राउटर जो है वो है एक लेयर थ्री डिवाइस। लेयर थ्री डिवाइस मतलब वो आईपी एड्रेस पे काम करता है। इट इज इंटेलिजेंट, ये आप लोगों की तरह है, ये इंटेलिजेंट है, इसके पास राउटिंग टेबल्स हैं, इसको पता है कब कहाँ जाना है। कोई भी डेटा पैकेट, एनी डेटा पैकेट दैट कम्स टू द राउटर, राउटर क्या करता है, राउट करता है, नाम में ही राउटिंग लिखी है। स्विच क्या करता है, स्विच भी एक लेयर थ्री और लेयर टू डिवाइस है। स्विच हब से बेटर होता है, स्विच के पास भी अपने राउटिंग टेबल होते हैं। राउटिंग टेबल क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर द राउटिंग टेबल्स, जैसे हम पुराने जमाने में डाकिया आता था, ठीक है, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, रिमेम्बर दैट सॉन्ग। सो डाकिया के पास द पोस्टमैन न्यू दैट कि कौन सी चिट्ठी कहाँ जानी है। अगर इस वाले इलाके में जानी है वो उसको यहाँ भेज देगा, इस वाले इलाके में जानी है वो उसको यहाँ भेज देगा। ये काम स्विच और राउटर करते हैं, इनके पास खुद की एक राउटिंग टेबल होती है कि टू इज देयर, फ्रॉम इज देयर, यहाँ से ये चिट्ठी आई है, मुझे इस पैकेट को यहाँ भेजना है। वेयर एज हब ये सब काम नहीं करता, हब इज टोटली बुद्धू। हब क्या करता है, हब सिर्फ कनेक्ट कर देता है। फाइन, सो बेसिकली थ्रू केबल्स आपका हब से डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, एनी डाउट। और हब का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यहां से कोई मैसेज आया, इफ आई सेंड अ मैसेज फ्रॉम हियर, हब को नहीं पता कि कहां जाना है, हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये वाला पैकेट जो हब को मिला है वो इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा। अब तुम लोग समझते रहो किसके लिए है, जिसका पैकेट है वो रख लो, बाकी सब क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो इसमें क्या होता है, काफी सारी बैंडविड्थ हमारी खर्च होती है, जो हमारी चैनल कैपेसिटी है, चैनल हमारा वेस्ट होता है। ऑब्वियसली अगर मुझे आपको, मैं पर्सन ए हूं, आप पर्सन डी हो, मुझे आपको कोई चिट्ठी भेजनी है, मैं सीधे आपको भेजूंगी ना, कि मैं सबको भेज दूंगी, राइट। हब इनफैक्ट डज ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास खुद का दिमाग नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धू है, क्या है, बुद्धू है। वेयर एज राउटर एंड स्विचेस आर वेरी स्मार्ट डिवाइसेस, दे हैव अ राउटिंग टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कुल मिला के यू कैन हैव, यू कैन सी द डिफरेंस, हब जो है सबसे सस्ता होता है, वेरी लीस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि दिमाग नहीं लगा रहा ना। इन सब में तीनों में अंतर क्या है, इंटेलिजेंस का। तीन दोस्त हैं, तीनों दोस्त एक ही काम कर रहे हैं, क्या, एक टीचर से पैकेट लेके दूसरी टीचर को देना। पर इन तीनों दोस्त में जो मुख्य डिफरेंस है वो है इनकी समझ का। हब जो है एकदम बुद्धू वाला दोस्त है, एक टीचर से लेगा बाकी सबको दे देगा, उसको नहीं पता मुझे किसको देना है। स्विच जो है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, ही हैज अ राउटिंग टेबल। राउटर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, आपके घर में आप सबने देखा होगा राउटर लगा रहता है, जिसको आप मॉडेम भी बोलते हो। तो मॉडेम क्या है, जो डेटा आपकी तरफ आ रहा है वो सिर्फ आपको वही भेजेगा, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो हब, स्विच, राउटर, ऐसे HSR, राउटर सबसे इंटेलिजेंट है, हब सबसे बुद्धू है, ठीक है। आप लोग क्या हैं, आप लोग हब है कि राउटर है, जल्दी से मुझे बता दो। अगर हब हो तो आपको और मेहनत की जरूरत है, राउटर हो तो एक बार शेयर कर दोगे सेशन को, ताकि हमारे आज 600 बच्चे हो जाएं, 500 से भी पार हो जाएं, ठीक है। सो हब नहीं बनना है, आपको बोलना है मैं बड़ा होके क्या बनूंगा, मैं राउटर बनूंगा, हब मत बोलना, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन इज व्हाट, Python is a programming language, is it an operating system, is it a search engine या snake, क्या बात है, क्या option दिया है। यूजी वाले सोचते नहीं है ना, मतलब option दे देते हैं, हो सकता है बच्चों को लग जाए कि अरे Python तो सही में सांप होता है, हम एकदम प्रणाम कर लें, जय जय सांप देवता। नहीं, क्या है Python, programming language है, operating system है, search engine है कि snake है,
जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग लिटिल मोर टाइम. आप लोग जल्दी आंसर दोगे तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे. इसका जल्दी से आंसर दो. नाउ वी विल बी इंक्रीजिंग द स्पीड. फाइन, प्रोबेबली वी शेल नॉट बी स्पेंडिंग मच टाइम. मैं मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा एक्सप्लेन कर दें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ए, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वॉट. ए, ए मतलब ये तो आंसर है, बट आपको ए नहीं बोलना है. ए किसमें दिया है? बी में दिया है. तो ऐसी गलती करके मत आना. यू हैव टू मार्क ऑप्शन बी. ऑप्शन बी सेइंग ए ओनली, दैट इज पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो जल्दी से, ये ट्रिक क्वेश्चन है यूजीसी. आपको लगेगा अच्छा ये ए दिया हुआ है तो आप ए बोल दोगे, बट नो, ए इज देयर इन विच ऑप्शन, ऑप्शन बी. सो पाइथन इज एक्चुअली अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज जो कि वेब डेवलपमेंट में काम आती है. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन. इंटरनेट की स्पीड किस यूनिट में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज, जीबीपीएस, गीगाबाइट या डीपीआई? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ. आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर. वी हैव मोर देन 200 पीपल ऑन द ग्रेड अप एप एज वेल. वी हैव टू आंसर ऑल ऑल द 20 questions. मैं आपको छोड़ूंगी नहीं आज. जल्दी जल्दी बताओ, वॉट एग्जैक्टली इंटरनेट की स्पीड. आप लोग तो इंटरनेट का हर कभी सांस लेते सांस छोड़ते इंटरनेट यूज करते हैं, राइट? सो आपको ये पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा. यस, वेरी नाइस वेरी नाइस. सब सही बोल रहे हैं. इट्स एक्चुअली व्हाट? इट्स एक्चुअली जीबीपीएस. ठीक है, सो इंटरनेट की स्पीड हम जीबीपीएस में मेजर करते हैं, गीगाबिट्स पर सेकेंड. केबीपीएस में भी करते हैं, मेगाबिट्स पर सेकेंड में भी करते हैं. दीज आर द वेरियस यूनिट. सो या तो केबीपीएस हो सकता है, जीबीपीएस हो सकता है, या मेगा बिट पर सेकेंड हो सकता है. ऑल्सो टेरा बिट पर सेकेंड भी हो सकता है, राइट? बट ये जो है, दिस इज डॉट्स पर इंस्ट्रक्शन. ये बहुत एक डिफरेंट टाइप का यूनिट है, डॉट्स पर इंच. सॉरी, डॉट्स पर इंच. बेसिकली ये भी आपके कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी का पार्ट है. जब आप कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ते हैं, ग्राफिक्स में डॉट पर इंच आता है. गीगा बिट आपको पता है, गीगा हर्ट्ज आपको पता है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है. इसको हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं. ठीक है, चलिए जल्दी से. सिक्स्थ क्वेश्चन. यूजिंग अ वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवियंसेस इज कॉल्ड व्हाट? जब आप किसी वेबसाइट का, जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं अपनी शिकायतों को निकालने के लिए, मतलब आप बहुत ही गुस्से में हैं, बहुत 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 नाराज हैं, आपको किसी चीज से बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको कोई वेंट आउट करने के लिए नहीं मिल रहा, कोई सॉरी मैंने आंसर बोल दिया शायद, आपको कोई अपना गुस्सा निकालने के लिए नहीं मिल रहा, तो आप उसको इंटरनेट में कैसे निकालेंगे? वेब एंगर है, वेब अब्यूज, वेब हेट है, साइबर अब्यूज है, कि साइबर वेंटिंग है. सो अगर आपको सरकार की किसी स्कीम पसंद नहीं आ रही है, या आपको फॉर एग्जाम्पल लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ गए हैं, हम तो परेशान हो गए हैं 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल का प्राइस देते देते, आप इंटरनेट में लगे पड़े हैं कि ऐसा है सरकार टैक्स कम नहीं कर रही, सरकार ये नहीं कर रही, तो आप उसको क्या बोलोगे? वेब हेट, साइबर अब्यूज, वेब एंगर, वेब वेंटिंग. वेरी नाइस. द आंसर इज, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में बोल दिया फ्लो में तो आप लोग को आंसर पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, साइबर वेंटिंग है. वेंटिंग देखो एक अंग्रेजी शब्द है. जब हम बहुत ज्यादा हम गुस्सा रहते हैं, हमें अपना गुस्सा कहीं निकालना होता है, तो हम बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू वेंट आउट माई एंगर, मुझे अपना गुस्सा निकालना है. तो ये वाला जब वेंटिंग हम साइबर में करते हैं, इंटरनेट में जाके करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने सीनियर्स के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, कलीग के बारे में, आपको पता चुपचाप से पोर्टल्स बने रहते हैं, उसमें आप जाके लिख सकते हो, तो वो साइबर वेंटिंग होता है. फाइन, इसके अलावा यू हैव साइबर हरासमेंट. एक टर्म है साइबर हरासमेंट, विच इज नॉट अ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग. इसमें आप लोगों को हरास करते हो, आप लोगों को बिहेवियर थ्रेट देते हो. जैसे आजकल आपने देखा है बहुत ज्यादा कॉमन है, किसी ने कोई फोटो डाली, आपने उसको हरास करना शुरू कर दिया. ठीक है, अनदर थिंग इज रेसिज्म. जब आप साइबर रेसिज्म करते हो, बेसिकली ये बहुत पुराना टर्म है, यूरोप में और अमेरिका में चला था, जब हम व्हाइट सुप्रीमेसी करते हैं इंटरनेट के थ्रू. लास्ट इज योर वेंटिंग.
वेंडिंग में बेसिकली आपका इंटरनेट पर जो यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो है हमारे गुस्से वाले, हमें एकदम गुस्सा आ रहा है, गुस्सा निकाल दिया, ठीक है। सो साइबर हरासमेंट, रेसिज्म और वेंटिंग, ये तीनों चीजें एक बैड यूजर बिहेवियर है इंटरनेट का। सेवेंथ क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए हैं, कंपाइलर्स आर सॉफ्टवेयर। सेकेंड स्टेटमेंट, टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो आपको बताना है क्या सही है, क्या कंपाइलर सॉफ्टवेयर होते हैं और क्या टच स्क्रीन मॉनिटर जो होते हैं उनसे आप इनपुट भी दे सकते हो, आउटपुट भी ले सकते हो। हाँ जल्दी बताओ, तो आप लोग को वेंटिंग नहीं करनी है, आप लोग को क्या करना है, आपको लाइकिंग करनी है। यू हैव टू शो मी साइबर लाइकिंग बाय लाइकिंग द वीडियो एंड यू हैव टू डू शेयरिंग ऑल्सो, साइबर शेयरिंग, राइट। सो यू आर गुड पीपल, यू आर वेरी स्मार्ट समारिटन, यू नो हाउ टू यूज इंटरनेट इन अ वेरी प्रॉपर एफिशियंट वे। सो डू लाइक एंड शेयर, डू नॉट वेंट आउट, फाइन। जल्दी इसका आंसर दो, इंग्लिश में है ये, हिंदी में भी है, आराम से पढ़ लो। आपने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में सुना होगा, ठीक है, आपको बताना है क्या है ये। एवरीवन एवरीवन कीप ऑन आंसरिंग, कीप ऑन आंसरिंग, जल्दी जल्दी हमें आंसर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ओके एक बार और हिंदी में सीख के बाद इंग्लिश में देख लो आराम से, दोनों सही हैं, यस वेरी नाइस, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कंपाइलर क्या है, तो भैया कंपाइलर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, क्या करता है ये काम, ये करता है कोड ट्रांसलेशन का काम करता है। देखो कंप्यूटर जो है, हम कंप्यूटर को बोलेंगे हे व्हाट्सएप, ठीक है, आपने कंप्यूटर को बोला हे व्हाट्सएप, कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड दिस व्हाट्सएप। कंप्यूटर को क्या चाहिए, अपनी भाषा में समझना। तो आप जो ये लिखते हैं कंप्यूटर को हे हाय व्हाट्सएप, ये होता है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, ये बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर के दिमाग में नहीं आती, आने को तो हमारे मम्मी पापा के दिमाग में भी नहीं आती है, पता नहीं हम कौन सी भाषा आजकल बोलते हैं, व्हाट्सएप ब्रो, यू नो OOTD और वंडरलस्ट, तो ये सब उनके दिमाग में भी नहीं आती है। बट कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ले जाने का कर्तव्य किसका है, ट्रांसलेटर आपका जो करता है उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स अ कोड रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है आपका, 01, ठीक है, 01 जो कि कंप्यूटर की डिजिटल भाषा है। कंप्यूटर जी सिर्फ यही समझते हैं, सो यू हैव कंपाइलर दैट डू दैट, फाइन। इसके अलावा, हाई लेवल के अलावा होती है एक असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज कैसी होती है, वो होती है एड सब, शॉर्ट फॉर्म। जब आप किसी से गुस्सा होते हो आप एकदम टेलीग्राम सेंटेंस में बात करते हो ना, ओके फाइन, यस, तो वो होती है असेंबली लैंग्वेज। तो उससे भी सिंपल, कंप्यूटर ये गुस्से वाली भाषा भी नहीं समझता, कंप्यूटर को समझाना होता है जीरो और वन की भाषा में। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज व्हाट, इंटरप्रेटर, ठीक है, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर एक बार में एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, इंटरप्रेटर क्या करता है लाइन बाय लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है कंपाइलर, एक बार में कन्वर्ट कर देता है। इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, मेमोरी रिक्वायरमेंट मोर होता है इंटरप्रेटर में, मेमोरी रिक्वायरमेंट कम होता है। दैट आर द फ्यू डिफरेंसेस दैट यू हैव टू नो। सी कंपाइलर, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर बेसिक का है, ठीक है, क्लियर है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे पहले हमें इंटरनेट दगा दे, हमें कोई भी दगा दे, हम ना सॉल्व कर पाए। वन निबल इक्वल्स 4 bytes, 4 bits, 8 bytes या 8 bits? जल्दी बताओ, एक निबल में कितने bytes या bits आते हैं, 4 या 8? Yes, so we have one person by the name Elon Musk. Elon Musk, we are very thankful that हमारे session में आए और आप answers दे रहे हैं, आपको तो पता ही होगा, you have already have SpaceX and Tesla. So, ये सब तो आपके लिए चुटकी का खेल है। जल्दी बताइए निबल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय निबल? यस यस वेरी नाइस वेरी नाइस, बी 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 बी, ओके
आंसर इज बी, ओनली 4 बिट्स। एक निबल में कितनी होती है? 4 बिट्स होती है, इसलिए हम एक निबल को क्या बोलते हैं? हाफ बाइट भी बोलते हैं। वन बाइट हैज हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट्स। बिट्स क्या होता है? 0 और 1। तो एक बाइट में 8 बिट होती है, बिट मतलब 0 और 1, और एक निबल में 4 आपकी क्या होती है? यू हैव 4 बिट्स। फाइन, सो ये एक हायरार्की है कंप्यूटर की, मेमोरी की। अगर आपसे पूछे कि यूनिट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले होता है बाइट, फिर होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्सा, जेटा, योटा। तो मैंने आपको तरीका बताया था, आई वेंट टू एमजी रोड टू बाय पिज्जा। मैं कहाँ गई? मैं एमजी रोड गई टू बाय पिज्जा। सो मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जोटा, जेटा एंड योटा। ठीक है, याद है, आप नहीं भूलना कभी भी ये हायरार्की। दिस हायरार्की इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। वन क्वेश्चन श्योर शॉट फ्रॉम दिस हायरार्की और एनी ऑफ द बेसिक यूनिट्स एज वेल। सो आई वेंट टू एमजी रोड टू बाय पिज्जा। पिज्जा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं पिज्जा लेने कहां गई? एमजी रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस ऑन हायर एजुकेशन डील्स विद इश्यूज लाइक। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नेगोशिएशन होते हैं, जो वार्तालाप होते हैं देशों के बीच में, वो किन मुद्दों पे डील करते हैं? एजुकेशन एज अ फ्री सर्विस, विग्रस सोशल एफर्मेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज, असाइनिंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर सिविल सोसाइटी, एजुकेशन एज अ ट्रेड, एजुकेशन एज अ कमोडिटी, विड्रॉल ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम हायर एजुकेशन। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, और एक बात जान के और खुश हो जाओगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऐसा ना सोचे कि मैं जान मूझ के ऐसे भारी भरकम क्वेश्चन ला रही हूँ शो ऑफ करने के लिए कि भाई अपनी नॉलेज कहाँ मैं दिखाऊं, बच्चों के सामने तो दिखाऊंगी, तो ले आती हूँ WTO। नहीं, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बाय UGC, सो प्लीज सी इट प्रॉपरली और आंसर दो मुझे जल्दी से। ठीक है, ये अंग्रेजी में पढ़ लो, अंग्रेजी के बाद फिर हिंदी में पढ़ लो, ये लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी आता है तो तुक्का मारो ना, तुक्का मारने के कोई पैसे लगते हैं? कोई आपसे पैसे लेता है यहाँ पे? नहीं लेता है। तुक्का मारो, एग्जाम में जरूर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, पर वहां पे भी नहीं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो तुक्का मारना तो आपका क्या है, अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मारो जितना अच्छे से मारना है। यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो अगेन आई विल शो द क्वेश्चन इन इंग्लिश, few seconds more and I will tell you the answer. Jaldi se answer batao. WTO, you know, you have World Trade Organization. This is an organization that looks after the trade happening in the world. WTO ki ministerial conferences hoti hain. You have ministerial conferences every 2 years. हर 2 साल में ये देखते हैं कि ट्रेड को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपने सुना होगा एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेके भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं WTO में, कि भारत की सरकार किसानों को सब्सिडी क्यों देती है। WTO से जुड़े हुए हैं आपके ग्रीन बॉक्स, आपने सुना होगा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, यू हैव एन एम्बर बॉक्स सब्सिडी एंड यू हैव अ व्हाट, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। सो ऐसे करके सब्सिडीज होती हैं जो WTO के तहत आती हैं। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, वेरी नाइस। सो उच्च शिक्षा, देखिए एक लेवल पे हायर एजुकेशन भी एक व्यापार है। ठीक है, व्यापार क्यों है? क्योंकि हम एजुकेशन में ट्रेड करते हैं। अगर हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं MIT, ठीक है, तो हम वहां के देश में अपना पैसा लगा रहे हैं, एक प्रकार का व्यापार हो रहा है। एजुकेशन एक कमोडिटी है जो हम बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत में कोई संस्कृत पढ़ने आया, कोई जर्मनी का बच्चा, तो हम संस्कृत एज अ कमोडिटी हम बेच रहे हैं और वो सामने वाला खरीद रहा है। एंड पब्लिक सेक्टर, सो अभी धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार शिक्षा से पीछे हटती क्यों जा रही है? सरकार का काम है कि शिक्षा को प्रोवाइड करना है, सरकार का काम है कि शिक्षा को, आपको पता है, यू नो यू हैव हर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लेसीज फेयर स्टेट, मतलब हर काम हम जनता पे नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार को एक थ्योरी होती है, द थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड की थ्योरी है, मतलब द गवर्नमेंट हैज अ प्रेरोगेटिव टू लुक आफ्टर एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम, रेलवे, सब जगह। ठीक है, चलिए, तुक्का सही हुआ तो बधाई हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। 10th
question. Which is the highest ranked Indian institute in the Times Higher Education Emerging Economy University Ranking 2020? टाइम्स हायर एजुकेशन में इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है, इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे कि भारत है, कौन सा भारतीय संस्थान आया है उच्च स्थान पर, हाईएस्ट रैंक? आईएससी बेंगलुरु, जेएनयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे? जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो. ठीक है, चलिए. जिनका तुक्का राइट हुआ मतलब आप में थोड़ा सा आत्मविश्वास भर गया कि मैं इतनी बुरी नहीं हूं तुक्कों में, मैं थोड़ा सा और सोच के करूंगी तो मैं आंसर एग्जाम में भी सही लगा कर आऊंगी. फाइन, सो ऑलवेज ट्राई टू गिव आंसर्स, नेवर यू नो होल्ड योरसेल्फ बैक कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो नहीं दे रही. जल्दी जल्दी, वी हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस मोर, इफ नॉट 20-15 क्वेश्चंस करके जाएंगे. ओके, वेरी नाइस. आई विल टेल यू द आंसर क्विकली बिकॉज ये बहुत ज्यादा समय लेने वाला आंसर नहीं है. इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट. फाइन, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आईएससी बेंगलुरु. सो इंडियन यूनिवर्सिटी में आईएससी बेंगलुरु टॉप पे था, बट अभी इसका पोजिशन पुरानी बार से कम हो गया है, 16वीं रैंक है. आईएससी बेंगलुरु के बाद यू हैव आईआईटी खड़गपुर, देन यू हैव आईआईटी बॉम्बे, एंड दीज आर द टू सेकेंड इंस्टीट्यूट. सो आईएससी बेंगलुरु, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे. टाइम्स हायर एजुकेशन है, ये वर्ल्ड रैंकिंग है, ठीक है, ये इंडिया की रैंकिंग नहीं है, कंफ्यूज ना होना. इसके अलावा एक और रैंकिंग है क्यूएस रैंकिंग, क्वाकरली साइमन. इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाकरली साइमन. ये भी एक वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग है. हमारे भारत में होती है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. हमारे यहाँ होती है एरिया रैंकिंग, अटल रैंकिंग फॉर इनोवेशन पैरामीटर्स, वो एक अलग रैंकिंग है. फाइन, NIRF हमारी डोमेस्टिक रैंकिंग है, QS और टाइम्स इंटरनेशनल है. फाइन, 11th क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग IITs इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट डेट स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट. तो आपको IITs को अरेंज करना है. सबसे पहले किसका बर्थडे है, किसका बर्थडे है, फिर किसका बर्थडे है, मतलब सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, फिर किसकी स्थापना हुई, फिर किसकी स्थापना हुई. सो आपको सिर्फ IITs को अरेंज करना है. जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यस, बिफोर Before the internet actually goes, I can see a little minor drop in internet. So please, जल्दी से मुझे आंसर बता दो, जल्दी से मुझे आंसर बता दो. So इसमें से बड़े भैया कौन है, छोटे भैया कौन है? Yes, yes, very nice. Most of you are saying as B. Most of you are saying as B and A. Let's check. Answer ना ही B है ना A है, answer है D. हाँ, अभी सही आंसर आए, अभी सही आंसर आए, आंसर है डी. तो देखो, आपको पता है एक बात, तो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, आईआईटी रुड़की सबसे पुराना कॉलेज है, ठीक है. रुड़की के बाद आईआईटी खड़गपुर बना. आईआईटी रुड़की को हम पहले बोलते थे कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इसको हम थॉम्सन कॉलेज बोलते थे. वी यूज टू कॉल इट एज थॉम्सन कॉलेज 1847 से 1854 के बीच में. फिर इसका नाम हुआ कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है. फिर आपका आया आईआईटी रुड़की के बाद आपका आया आईआईटी रुड़की को आईआईटी का स्टेटस कब मिला था, बहुत लेट. इसको मिला बहुत 2001 में, 2001 में इसको आईआईटी का स्टेटस मिला. आईआईटी खड़गपुर एक्चुअली इट वाज फॉर्मड इन 1951. फाइन, आईआईटी दिल्ली फॉर्मली इनॉग्रेट हुआ था 1961 में, अगस्त 1961. और जो कानपुर है, कानपुर आईआईटी दिल्ली से थोड़ा सा बड़ा है, 1959. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू व्हाट बी. प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता को हम पहले क्या बोलते थे, हम बोलते थे इसको हिंदू कॉलेज. फाइन, वी यूज टू कॉल इट एज हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता. फाइन, सो इट्स अ पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन कोलकाता. और ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, ये एस्टैब्लिश हुई थी 1817 में, 1817 में. 13th क्वेश्चन, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग. आराम से, प्लीज बी पेशेंट, प्लीज बी पेशेंट, अभी एवरीथिंग इज फाइन.
As I told, there is some minor lag in between regarding internet, but now it's fine. ठीक है. द स्क्विरल इज अ स्मॉल एनिमल लाइक अ रैट. थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, 10 मिनट का और समय है, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए. वी विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 16 to 17 क्वेश्चंस. प्लीज डू नॉट गो. फाइन, यस, वेरी नाइस. अ स्क्विरल इज अ स्मॉल एनिमल लाइक अ रैट. द स्टेटमेंट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ प्रमाण. स्क्विरल क्या है? गिलहरी चूहे जैसा एक छोटा जानवर है. ये स्टेटमेंट क्या है? प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है या शब्द है? मैं आपसे अगर बोल रही हूं कि जो गिलहरी है ये एक छोटा सा जानवर है जैसे एक रैट होता है, तो ये प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है? जल्दी बताओ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये इंडियन लॉजिक का है. इंडियन लॉजिक में आपको ये नॉलेज कैसे प्राप्त हो रही है? हाउ एक्चुअली यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर नॉलेज? वेरी गुड गाइज, वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज. आप लोग, इंटरनेट हो गया, ये हो गया, आप किसी भी चीजों से डर के सेशन छोड़ के नहीं जा रहे हैं. यू आर देयर एंड आई वॉन्ट माई स्ट्रेंथ बैक. फाइन, आई नो यू ऑल आर हार्ड वर्किंग. इवन वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द बेस्ट कॉन्टेंट फॉर यू, राइट? सो जल्दी से आंसर दे दो, बच्चे को क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग. पीपल ऑन द ग्रेड अप ऐप एज वेल, आई कैन सी योर आंसर्स. देविना, स्वाति, आकांक्षा, स्वप्निल, अनुराधा. Yes, thank you so much, guys. Thank you so much. Very nice. The answer is बिल्कुल उपमान. तो उपमान में हम क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं. उपमान में हम कंपेयर करें कि ये जो चूहा है या जो गिलहरी है ये चूहे जैसी है. दोनों, अब गिलहरी को देख के तो हमें थोड़ा सा क्यूटनेस दिखती है, चूहे को देख के तो बिल्कुल हम क्यूटनेस नहीं दिखती, बट है तो दोनों छोटे छोटे से ही. सो ऐसा जब नॉलेज हम गेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? We call it as उपमान. अनुमान क्या होता है? जब इन्फ्रेंस लगाते हैं, जब हम अंदाजा लगाते हैं अनुमान से. हमारे पास कोई एक प्रायर नॉलेज है, उससे हम नया नॉलेज ज्ञान करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अनुमान लगाऊंगी, हाँ मैंने कभी गिलहरी देखी है, मेरे अनुमान से चूहा भी ऐसा है, वो अनुमान होगा. प्रत्यक्ष क्या होगा? प्रत्यक्ष मैं सामने सामने देख रही हूं, मैं सामने देख रही हूँ, अरे प्रत्यक्ष नहीं देखो, बेचारी क्यूट सी गलहरी क्या खा रही है, आंवला खा रही है. तो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने सेंस ऑर्गन से देखा. तो हम बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है. तो देख लिया, दोनों छोटे से जानवर है, हाँ मुझे नॉलेज प्राप्त हो गया. ठीक है, वेरी क्यूट, टॉम एंड जेरी. यस, 14th क्वेश्चन. द डिस्टिंक्शन बिटवीन पूर्ववर्त एंड शेषवत इज मेड विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण. दो प्रकार के नॉलेज गेनिंग तरीके हैं, एक है पूर्ववत, एक है शेषवत. ये किसमें सुने हैं आपने, या आपने कहां सुना है? जल्दी बताओ. अनुमान में सुना है, प्रत्यक्ष में सुना है, कंपैरिजन में सुना है, या अभाव में सुना है? सो आपको पता है नॉलेज गेनिंग के तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, अभाव है. सो ये पूर्ववत और शेषवत, जल्दी बताओ. वी हैव स्टडीड एवरीथिंग, वी हैव डन दिस इंटायरली, द कंप्लीट टॉपिक हमने कर लिया है. ठीक है, हाँ मुझे पता आप लोग की क्लासेस हैं, चले जाना, मेरी भी क्लास है, मैं भी थोड़ी कोई आप लोग को दिन भर यहाँ पे वेट करवाऊंगी, बट एटलीस्ट वील सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस मोर, फिर आप चले जाना. वेरी नाइस, वेरी नाइस. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस आई विल टेल यू राइट अवे बिकॉज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. पूर्ववत शेषवत आपके अनुमान है. याद करो जो मैंने 5 टाइप के अनुमान आपको सिखाए थे. एक होता है परार्थ अनुमान. परार्थ मतलब किसी और के लिए. ठीक है, वन इज स्वार्थ अनुमान. स्वार्थ अनुमान मतलब क्या होता है? स्वार्थ अनुमान क्या होता है? मेरे खुद के लिए. जब मैं बोलती हूँ ना, आई एम वेरी सेल्फिश, आप काफी सेल्फिश हो, बड़े स्वार्थी हो, तो क्या होता है? वो होता है स्वार्थ अनुमान. एक होता है पूर्ववत. पूर्ववत मतलब जब मैं एक पुराने नॉलेज से, पूर्व में, मुझे पता है कि पूर्व में जब काले बादल थे, ब्लैक क्लाउड्स थे, तो क्या हुआ था? बारिश हुई थी, आज भी बारिश होगी, अनुमान है. पूर्व में जब मैंने 6 घंटे मेहनत करी थी तो मैं क्या था? मैं टॉपर बन गया था. अभी भी मैं करूंगा, मैं टॉपर बन जाऊंगा, अनुमान है. शेषवत क्या होता है? वॉट इज शेषवत? शेषवत क्या होता है? मतलब बचा हुआ. जब जो आप एग्जामिनेशन में करते हो, ठीक है, आपको पता है ऑप्शन ए बी सी डी,
आपको पता है बी तो बिल्कुल नहीं है, डी तो कतई नहीं है, ए और सी में से हो सकता है। तो अब ये दो आपके पास क्या है, शेष है। जैसा अमिताभ बच्चन जी आपसे बोलते हैं ना, आवा देवी और सज्जनों, अब इनके पास सिर्फ दो लाइफलाइन शेष है। दो लाइफलाइन शेष है बोले तो सिर्फ दो लाइफलाइन बची है। वैसे ही शेष, जब आपके पास कुछ बचे हुए से आप अनुमान लगाते हो, दैट इज शेषवत अनुमान। ठीक है, 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आईपी एड्रेस। इसमें से आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल आपको बताना है, मतलब बेसिकली करेक्ट फॉर्म क्या है आईपी एड्रेस का, जल्दी बताओ। 10.190.102.245, 245.368, सेमी कोलन 50। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्विकली गिव मी द आंसर। यस यस, वेरी नाइस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन आईपी एड्रेस, जब तक हम ये भी देखते चलते हैं। आईपी एड्रेस इज एक्चुअली व्हाट, इट्स अ लॉजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आपका फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। राइट, वेरी नाइस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉट बी, इट इज ए। आईपी एड्रेस हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में। डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट मतलब एक नंबर आया, 8 बिट साइन, फिर डॉट, फिर 8 बिट साइन, फिर डॉट, फिर 8 बिट साइन, फिर डॉट, फिर 8 बिट साइन। सो यू हैव 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स, इनके बीच में सिर्फ डॉट ही होगा। अगर आपको कॉमा दिख रहा है, आपको कोलन दिख रहा है, सेमी कोलन दिख रहा है, तो भाई ये कतई आईपी एड्रेस नहीं है, ये कुछ और ही है, आईपी तो नहीं है। ठीक है, सो आपके आईपी, यू हैव आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 ऑल्सो। कितने प्रकार के आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं, यू हैव आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 पुराना है, 32 बिट का है, आईपी वर्जन 6 में 128 बिट्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी रेंज होती है 0 से 255, सुपर इंपॉर्टेंट। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से जाते हैं, 16वें क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, कोशिश करते हुए 20 करने की, जितने भी हो पाए हम आने वाले 5 मिनट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, मेंडेले या ड्रूपल। आपको बताना है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। यू डोंट हैव टू टेल मी विच इज द वेब ब्राउजर। फाइन, यस मैम आप बताई थी, वेरी नाइस। 256 से नहीं, 255 से ज्यादा नहीं होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस में 255 से ज्यादा का नंबर नहीं होगा, टोटल एड्रेस होते हैं 256। फाइन, यस बी, ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, जैसे कि सबको लग रहा है। ओपेरा एंड माइक्रोसॉफ्ट एज आर एक्चुअली वेब ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम सुना है आपने, जो कि बहुत कम चलता है, और ओपेरा सुना है। मेंडले एंड ड्रूपल एक्चुअली ये एक कॉन्टेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। फाइन, एंड ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग में हेल्प करता है। मेंडले इट इज एक्चुअली अ फ्री रेफरेंस मैनेजर, जिसमें आप ऑनलाइन कोलैबोरेट कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो क्या लेटेस्ट रिसर्च। तो ये आपके काम की चीज है, सो बेसिकली यू कैन कोलैब रिसर्च। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं प्लीज, एक बज गया है आई नो, अगर आपका साथ है तो हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा यूनिवर्सिटी की अवधारणा को अपनाया है, असम, दिल्ली, हैदराबाद, पुडुचेरी। देखो थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम करंट अफेयर्स भी करते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में करंट अफेयर्स थोड़ा सा पता होना चाहिए, उससे भी आपको नई इन्फॉर्मेशन पता चलती है। एनी वे वी सॉल्व 15 to 17 क्वेश्चंस, दैट इज गुड फॉर अ गुड सेशन विद एक्सप्लेनेशन। तो चाहे हम आपको आंसर ऐसे ही बता सकते हैं, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर वे, ताकि आप एक बार वो कॉन्सेप्ट पढ़ लें, यू शुड नॉट बी गेटिंग कंफ्यूज।
वेरी नाइस वेरी नाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो ये जो मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है ये हमने यूएसए से लिया है 2012 में। मेटा मतलब क्या होता है? मेटा इज एक्चुअली, आपने सुना होगा मेटा डेटा भी होता है। व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा इज समथिंग जो डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। इट इज डेटा अबाउट डेटा। सो मेटा में क्या है, स्टूडेंट अपना खुद का करिकुलम बना सकता है। अगर मुझे मैथ्स पढ़ना है डीयू से या मुझे मैथ्स पढ़ना है जामिया से, तो मैं खुद चेरी पिक कर सकती हूँ। आई कैन चूज माई कोर्सेज फ्रॉम डीयू, आई कैन चूज माई कोर्स फ्रॉम जामिया, ऑल्सो आई कैन चूज माई कोर्स फ्रॉम जेएनयू। फाइन, सो मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएसए फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2012। चलिए एक और क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को पसंद आया, आप लोग ने सही आंसर दिया और मैं भी खुश हुई, तो एक क्वेश्चन और लेंगे। एमएचआरडी वर्क्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट? जो आपका अब तो एमओई हो गया है, ठीक है, मानव विकास और संसाधन मंत्रालय कौन से दो डिपार्टमेंट के द्वारा काम करता है? कुल मिला के इस मंत्रालय में कितने डिपार्टमेंट हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। जल्दी 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 बता, आप लोग बोर्ड में पूरे करवा दीजिए, ठीक है। तो जितने मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, शायद 19 हैं मेरे पास, तो मैं 19 क्वेश्चंस आपको आप पूरे करवाऊंगी। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, वेरी नाइस। मतलब ऐसा में तो आप जितना साथ देंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, है ना? आप अगर 2 घंटे बैठने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ 2 घंटे बैठने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आई नो थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, क्लासेस और होती हैं तो वो हम कभी और कर सकते हैं। वेरी नाइस, बी डी बी सी डी बी, क्या बात है। ए बचा, ए भी बोल ही दो, सारे तो बोल दिए, ए और बोल दो, ए बुरा मान जाएगा। B, but most of you are saying yes, B, सब B बोल रहे हैं। Answer is actually B, that is A and C. So MHRD actually have two department, ये याद रखना, ठीक है। MHRD में एक है स्कूली शिक्षा के लिए department जो कि स्कूल शिक्षा देखता है, एक है आपका क्या, department of higher education जो आपकी उच्च शिक्षा देखता है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एज ऑफ नाउ कोई डिपार्टमेंट नहीं है, होपफुली अगर सरकार को कुछ नया करना होगा तो मेंटल हेल्थ के लिए भी डिपार्टमेंट लाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। दिस कुड बी अ वेरी वेलकम स्टेप इन द फ्यूचर। फाइन, सो ओनली 2 डिपार्टमेंट्स आर देयर, वेरी नाइस, यू गाइज आर सो अमेजिंग। लास्ट क्वेश्चन फर्जी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज। सबसे ज्यादा फेक फर्जी यूनिवर्सिटी कहाँ है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला या वेस्ट बंगाल, जल्दी बताओ। वेरी नाइस, इफ यू आर इम्प्रूविंग फातिमा इन हायर एजुकेशन दैट विद द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गेट। प्लीज कीप ऑन अटेंडिंग द सेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, अगर आप क्वेश्चंस अटेंड करते रहेंगे तो बहुत ही लाजमी सी बात है कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होगा। फाइन, सो बता दो भैया कहाँ है सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला कौन से राज्य में होता है? सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला कौन से राज्य में होता है? ठीक है, हाँ, वेरी नाइस, सो बता दिया। गड़बड़ घोटाले के मामले में तो हम सब काफी वाकिफ हैं। इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला। सो हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज हैं, उसके बाद दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल में है, केरला में है। सो अभी यूजीसी ने हाल ही में 23 ऐसी सेल्फ स्टाइल्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट एस्टैब्लिश की थी, ठीक है, जिसमें 8 जो हैं वो हमारी यूपी में है, 7 हमारी दिल्ली में है और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में भी बाकी है, 2 और 1 केरला में, ठीक है। सो बिल्कुल यूपी बहुत अच्छा भी चीजें कर रहा है, अभी आपने काफी सारे इंडेक्स में उनको आगे बढ़ते भी देखा है, बट उत्तर प्रदेश अभी भी उत्तर प्रदेश ही है काफी चीजों में,
ठीक है। सो इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आप सबके सहयोग से, योगदान से और इंटरनेट के असहयोग से, बट स्टिल वी मैनेज। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद द एंटायर सेशन, एंटायर फ्लो लास्ट तक एकदम। आप लोग बहुत पेशेंस रखते हैं, आप लोग में बहुत सब्र है, एंड यू गाइज आर एक्चुअली हेयर टू स्टडी, वो इस चीज से समझ में आता है। आप सिर्फ मस्ती टाइम पास करने नहीं आते, क्योंकि दिक्कतें होती हैं तब भी आप लास्ट तक बने रहते हैं, एंड दैट इज द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। सबसे ज्यादा यही मैटर करता है कि आप कितना ज्यादा इच्छुक हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें तकलीफें तो चलती रहती हैं। 19 मार्च को और 27 मार्च को एक बार और डेट कंफर्म कर लीजिएगा, मेगा मॉक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेड अप सुपर के सब्सक्रिप्शन आपके पास है, आपने ग्रीन कार्ड लिया हुआ है, ग्रीन कार्ड इज अ पार्ट ऑफ ग्रेड अप सुपर राइट नाउ, सो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अब मेगा मॉक्स होने वाले हैं, बिकॉज नाउ ओनली 1 month इज लेफ्ट, सो यू हैव टू गियर अप, ठीक है। ठीक है, आई एम रियली थैंकफुल एवरी वन आउट हेयर हु हैज अटेंडेड द सेशन, एंड अब ऐसे ही एक और बढ़िया सेशन करना है तो फ्राइडे को फिर से मुझसे मिलिएगा। आई टेक क्लासेस ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। तो फ्राइडे को हम क्या बनाने वाले हैं, फ्राई ये। सो बेसिकली हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके, सही सॉल्व करके विल मेक फ्राइडे इंटू फ्राई ये, ठीक है। सो प्लीज आना 12 बजे फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने। Thank you so much. 23, it's not 24. PDF देना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, मेरी ये मजाल कि मैं आपको PDF देना भूल जाऊं, बिल्कुल कतई नहीं भूलूंगी, हमेशा हमेशा आपको PDF मिलेगा। मैं आपको PDF भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। जिन बच्चों को नहीं पता है टेलीग्राम चैनल कहाँ है, कैसा है, सो इट्स पेपर 1 बाय तोशबा, गुलशन मैम एंड निशांत सर। So this is our Telegram channel. In case you haven't joined it yet, do join it. और एक बार फिर से जाते जाते लाइक और शेयर कर जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू सून।